क्या हाल है आपका? खैर से ठीक है। एक मिनट ले लूँ आपका, इजाज़त है? कोई इलेक्शन वेक्शन आ रहे हैं, वोट डालने की? किधर है यार तुसीफ? इधर आओ ना यार, ये रोटियाँ कैसी जबरदस्त बना रहे हैं। बनाओ, वोट डालोगे यार इलेक्शन में? ठीक आएंगे। डालेंगे? हाँ जी पाएंगे। किसको? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को आप किसको डालोगे? नवाज शरीफ को। आप भैया? नून लीग। आप भी नून लीग? ये सारे यार बाज बात तय किया हुआ है। आप भी नून लीग? इमरान खान ने तंग बहुत किया जी। क्या तंग किया उसने? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत की थी उसने। तो नवाज शरीफ आएगा तो क्या होगा? रोटी 2 रुपए की हो जाएगी? 2 भी तो नहीं होगी ना? नहीं इंशाल्लाह कोई कमी ले आएगा। अभी कितने की बेच दो रोटी? 20 रुपए की। देखा ना यार, नवाज शरीफ आया थी उस टाइम रोटी 6 रुपए की थी। अब आने से कम नहीं होना, रेट अब ऊपर ही जाना है। इंशाल्लाह ले आएगा कभी। पक्की बात है? यकीन है नवाज शरीफ का पूरा, इंशाल्लाह। यार ये जो रोटियां निकाल रहे इसने नहीं बताया, ये आपके आगे खड़ा है, ये सही बताएगा, इसे पूछते हैं। अब भैया क्या नाम है आपका? मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद जी। किसको डालेंगे वोट? शेर को। आप बताएं पहले वोट किसको डालेंगे? वोट तो इंशाल्लाह ताला नून लीग को डालेंगे। सारी नून लीग? ग्वाल मंडी वाले ने कुछ तय किया नून लीग? नहीं, उनका भाई हल्का ना। उनका भाई हल्का जी। तो अगर मरियम आ गई इस हल्के से तो मरियम को भी देंगे? नहीं, एक ही बात है। एक ही बात है, ठीक है। आप बताएं किसको वोट देंगे? वोट पीटीआई। पीटीआई को? आपका यहाँ कौन सा उम्मीदवार होगा पीटीआई का? कौन? इस इलाके हमारी तरफ से कोई भी हो उसी को वोट देंगे। हम वोट देंगे इमरान को। आप किसको वोट देंगे? इमरान हाँ कोई दे। आप किसको वोट देंगे? मैं जी नवाज शरीफ। आप इमरान खान? आप इमरान को? आप इंशाल्लाह इमरान खान को सर। आप इमरान को? इंशाल्लाह। क्या उम्मीदवार कौन होगा उसका? उम्मीदवार जो भी होगा इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। वोट उसी को देंगे। बहुत अच्छा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसको वोट देंगे? शेर को। आप शेर को देंगे? कोई खास वजह उसकी? शेर काम करने वाले आदमी है भाई, काम करने वाले। आप वोट किसको देंगे सर? इमरान खान। इमरान खान को? बहुत अच्छा। किसको वोट दोगे भैया? साहब का। किसको वोट देंगे भैया जी? नवाज शरीफ को देंगे जी। नवाज शरीफ को? आप बिल्कुल नवाज शरीफ को देंगे। बाबा जी आप वोट देंगे? आप किसी को नहीं देते वोट? आप वोट देते नहीं? कोई देते नहीं हम। वो कोई काम नहीं अच्छा करते हैं। हाँ। क्या करें, किसी गरीब को भी दिए, ये अपने अपने पेट भर रहे हैं। ये बात है, आप सबसे सही है। हम देते नहीं किसी का वोट, किसी ने काम अच्छा ही नहीं किया, सब बड़े पेट भर रहे हैं। किसी गरीब को भी दिया? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मुतफिक हूं। किसी गरीब को वोट मांगने आते हैं, बाद में नहीं आते। किसी को गरीब? आपको दिया किसी ने? कुछ नहीं दिया किसी ने। ये अपने पेट भर रहे, कोर्ट के डाल रहे हैं अपने पड़े। आपने कितने इलेक्शन देखे हैं पाकिस्तान? हमने 3-4 देखे हैं, उसके बाद हम नहीं देखते। अल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, दिल को लगी। आप किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को डालेंगे। यहाँ से उम्मीदवार कौन है उसका? यासमीन राशिदा। यहाँ से यासमीन राशिद का क्या बनता है? बिल्कुल ठीक है। आप किसको वोट डालेंगे? नवाज शरीफ। आप नवाज शरीफ को डालेंगे? नवाज शरीफ को डालेंगे। ये पीछे से भी पूछे, आप किसको वोट डालेंगे? मैंने बता दिया खान साहब को। आप सिराजुल हक। आप सिराजुल हक को? सिराजुल हक तो ये उम्मीदवार ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर भी वोट उसी को डालेंगे। छा गया, ये सही जज्बा है इसका। आप किसको देंगे वोट? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देंगे। आप नवाज शरीफ को देंगे? आपने भी बताएंगे सर? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। आप नवाज को देंगे? इमरान खान। आप इमरान खान? इमरान खान को देंगे। वेरी गुड। वो मिठाई वालों से भी पूछे यार। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, वोट देंगे किसी को? वोट तो देंगे, देखेंगे ये जो टाइम आएगा किसी को देंगे। जो जब टाइम आएगा देखेंगे किसको देंगे। अभी तय नहीं किया? नहीं अभी कोई नून लीग या पीटीआई कोई फैसला नहीं अभी। ये जो सा इलाके ग्वाल मंडी, ये शेर का है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको कोई शिकल नहीं दे सकता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बोलते हैं। आप देखें जो सा एक मोरिया पुल का जो सा पुल था, ठीक है, ये इन्होंने 3 साल में रिकवर किया है इन्होंने, 3 साल में। तो आप देखें ये शदर का पुल बने हैं, और काम बोलते हैं ना। बिल्कुल ठीक है ना। आप वोट डालेंगे? हाँ जी। किसको डालेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को डालेंगे। बहुत अच्छा, आपसे बात कर लूँ। आप वोट डालेंगे इलेक्शन में? वोट डालने जाएंगे? क्यों? किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान को डालेंगे। आप वोट डालेंगे? डालेंगे। किसको डालेंगे? भगत पर ही पता चलेगा किसको डालेंगे। दिल से जब इलेक्शन आएगा फिर फैसला करेंगे। दिल तो कहता है कि नून लीग को डालेंगे। नून लीग को डालेंगे? पक्की बात है? पक्का नाम रखा है। पक्का नाम रखा है नून लीग का। वोट डालेंगे? नहीं, वोट नहीं डालेंगे किसी को भी नहीं। वोट किसी को भी नहीं डालूंगी, जाया कर दूंगी।
डालूंगी नहीं, जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी। बिल इतने ज्यादा, सर्दियों में इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, तो गर्मियों में क्या करेंगे? आप देखेंगे पंखा भी एक चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है। शिकायत सही है, आप जायज है सर। वोट तो सारी बात है, जो इस टाइम जेल में है उसी का ही बनेगा। किसका? अब देख ले आप, नाम लेने से कहीं उठाया ना जाऊं, बस मसला तो ये। अच्छा फिर ठीक है, ना ले अगर आप वोट डालेंगे। वोट नहीं, वोट नहीं डालेंगे। क्यों? किसी भी हुकूमत ने हमें क्या दी है फैसिलिटी, महंगाई बोलेंगी तो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। मैंने कहा मैं किसी को वोट नहीं डालूंगी, ना नून लीग को ना पीटीआई को। कोई खास वजह है वोट ना डालने? किसी ने भी हमें क्या दिया या हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। आप महंगाई है, बेरोजगारी है, आवाम कुछ नहीं करते, इसलिए आप चाहते हैं कुछ नहीं करते ना, ना कोई नौकरी है कि आप वोट डाल के तो अपना फैसला करें कि ये बंदे गलत है, मैं इनको वोट नहीं दूंगी, ये सही है इसको। ये दोनों ही गलत है। नून लीग ने तो तबाह कर दिया पाकिस्तान को, पीटीआई ने भी कुछ भी नहीं किया। जो भी आता है अपने लिए आता है और खाता है। आप दोनों से मुतमईन हैं? दोनों से मुतमईन। बहुत शुक्रिया। हाँ भैया जी ने इनसे रिकॉर्ड करना है, बैठ जाओ यहाँ आपके साथ। ये सही इंटरव्यू होगा भैया। आप बताएं आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे सर। किसको डालेंगे? जो नवाज शरीफ को डाल रहे हैं उन्हें डालेंगे भाई। आप नवाज शरीफ के वोट? जी जी उनके। ग्वाल मंडी सारा मुझे लगता है इससे ज़्यादा नवाज शरीफ। मैं ग्वाल मंडी का नहीं हूँ, मैं जो NA 27 लगता है। अच्छा। 127 यानी कि शालामार बाग की तरफ बेगमपुरा स्टाफ है, उधर जो भी खड़े होंगे हम उन्हें नवाज शरीफ की तरफ से। पूरी फैमिली उसी को वोट डालेगी? क्यों डालेंगे? फैमिली का सर नहीं पता, मुझे अपना पता है। क्यों डालेंगे? बस समझ लेंगे वो ठीक है, निज़ाम चलाएंगे कारोबार का। हाँ ये जो गाड़ी चलाते हैं लोडर, जी जी अच्छा रोज़गार लग जाता है। अल्लाह का, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का फजल है। लेकिन किसी वक्त हो जाता है कि नहीं होता, निज़ाम आगे से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है निकल रहा है। वजह से आटा पानी बिल पूरे करने मुश्किल हो गए। हाँ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले, मेरी दुआ है आपको। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालेंगे? जी सर जरूर डालेंगे। किसको डालेंगे? मियां नवाज शरीफ को। जी नवाज शरीफ को डालेंगे जरूर। क्यों? ये ग्वाल मंडी का असर है या वैसे? नहीं जी नहीं, सर उनके अलावा मुल्क में काम किए किसी ने नहीं है। अच्छा। और ज्यादतियाँ भी उनके साथ ही हमेशा हुई है, नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा। आप ग्वाल मंडी की हिस्ट्री देख लें। क्या करते हैं? पढ़े लिखे आदमी? मैं पढ़ा लिखा आदमी। क्या गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब? जी। तो आपका ये इन्फॉर्म डिसीजन है, आप समझते हैं? जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह जी। उनके अलावा है कोई नहीं? आप किसको डालें? मियाँ साहब। आप ही मियाँ को? ये मुझे लगता है ग्वाल मंडी में कोई असर है हवा में, सारे लोग कहते हैं। मियाँ साहब पीटीआई के वोटर भी हैं लेकिन बड़ी अक्सरियत नून लीग की है। मियाँ क्या खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सवाल कर लूँ आपसे, वोट डालने जाएंगे? तो मुकदमा जो होगा भाई मिल जाएगा फिर आपको। अभी तय नहीं किया, डालने जाएंगे कि नहीं? डालेंगे, जाएंगे जी। तो मुकदमा जो होगा मिल जाएगा, फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। आप डालोगे वोट? जी जी। किसको डालोगे? सोचा नहीं है। सोचा नहीं है जी। देखते हैं।